हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश और मेरा चैनल सांकू फूड में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आलू गोभी की पार्टी स्टाइल सब्जी घर में बनाएंगे। जिस तरह पार्टियों में हलवाई लोग आलू गोभी को डीप फ्राई करते हैं, मसाला अलग से तैयार करके मिलाकर सब्जी बनाते हैं, लेकिन हम आलू गोभी को बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करेंगे। लेकिन सब्जी हमारा उतनी टेस्ट बनेगा जितनी आलू गोभी को डीप फ्राई करके बनाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आलू गोभी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिया है 500 ग्राम गोभी और इसे थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में मैंने काट लिया है। बस इतना बड़ा रखना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 3 मीडियम साइज का आलू, इसे भी थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में मैंने काट लिया है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया है ये 3 मीडियम साइज का टमाटो, इसे मैंने स्लाइस काट के रखा है। और ये 2 मीडियम साइज का प्याज, इसे भी मैंने स्लाइस काट लिया है। और ये कुछ गरम मसाला इसके लिए लिया है। अभी सबसे पहले अभी हम गोभी को थोड़ा बॉईल कर लेते हैं और इसे अभी हम ढक्कन लगा के पानी को एक उबाल आने देंगे। देखिए हमारा पानी बॉईल हो चुका है। हम इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देंगे और ये जो गोभी है ना, हम इसे छोड़ देंगे पानी में और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम इसे उबालेंगे। ज़्यादा देर तक हम इसे बॉईल नहीं करेंगे। इसे बॉईल करने से क्या होता है कि उसमें जो भी कचरा है और जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो एकदम साफ हो जाते हैं और हमारा जो गोभी है ना, एकदम परफेक्ट क्लीन हो जाता है। तो अभी हमारा 3 मिनट हो चुका है, हम गोभी को अभी निकाल लेते हैं। और अभी हम गोभी को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमको हलवाई जैसा टेस्ट लाना है ना, तो इसलिए हमको गोभी को फ्राई करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने 2-3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और गोभी को अभी थोड़ा फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं, वही 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम लो फ्लेम में। देखिए हमारा 2-3 मिनट हो चुका है, हमारा गोभी का देखिए कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है और नरम भी थोड़ा हो चुका है। हम इसे अभी निकाल लेते हैं। कभी भी आप गोभी का सब्जी बनाइए, आप इस तरह बॉयल करके और इसे फ्राई करके देखिए, अभी बहुत टेस्ट आएगा। देखिए हमारा गोभी कितना स्मूथ है और कितना अच्छा दिख रहा है। उसी कढ़ाई में 1 और 2 बड़े चम्मच तेल और डाल देंगे और अभी आलू को थोड़ा हम इसे फ्राई कर लेंगे। अभी आलू को हम कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे। अभी इसे कप और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। और अभी थोड़ा ढक्कन लगा के थोड़ा सा हम इसे और फ्राई करेंगे। देखिए हमारा जो आलू है ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। देखिए हमारा आलू कितना अच्छा दिख रहा है और जो ऊपर का लेयर है वो कितना क्रिस्पी दिख रहा है। और अगर आप डीप फ्राई करते तो आप आलू का जो ये जो टेस्ट है ना, ये वैसा नहीं आएगा। जब भी आप घर में कोई आलू का सब्जी बना रहे हो तो आप इस तरह थोड़ा सा तेल में ही फ्राई करके बने, बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम उसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच और तेल डाल देंगे और इसके साथ साथ हम 1/2 छोटे चम्मच सौंफ डाल देंगे और 1 छोटे चम्मच जीरा डाल देंगे। और इसमें मैं डाल देता हूँ ये गरम मसाला, इसे थोड़ा सा मैंने भून लेता हूँ अच्छा फ्लेवर के लिए। और अभी हम डाल देते हैं स्लाइस किया हुआ 2 मीडियम साइज प्याज और इसे तेल के साथ अच्छा से भून लेते हैं थोड़ा गोल्डन ब्राउन आने तक। देखिए हमारा जो प्याज है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी इसी स्टेज में हम अभी इसमें डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे अच्छा से प्याज के साथ हम इसे अच्छा से मिला लेंगे। और इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें 1.5 चम्मच करियंडर पाउडर और ये 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़े चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं प्याज के साथ। और इसमें अभी हम डाल देते हैं स्लाइस किया हुआ टमाटो। इसमें हम प्यूरी यूज नहीं करेंगे, जो स्लाइस किया हुआ टमाटो हम यूज़ करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे थोड़ा सा ढक्कन लगा के हम 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेंगे। देखिए हमारा जो टमाटो है एकदम पिघल गया है और जो मसाला है एकदम अच्छा बन गया है। तो मसाला को और थोड़ा सा हम भून लेते हैं यहाँ पर। अभी हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, ज़्यादा नमक नहीं चाहिए, अगर रिक्वायर्ड है तो डालिए, क्योंकि हम पहले से डाल चुके हैं नमक। और अभी हम सबसे पहले मसालों में अभी आलू ऐड कर देंगे। आलू को थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे सारे मसाला के साथ, आलू को अच्छा से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करते ही हमें जो गोभी है ना, इसे भी हम मसाला के साथ मिक्स कर देंगे।
अभी हम सिर्फ मसाला जो है ना आलू गोभी के साथ मिक्स करना है, क्योंकि हमारा जो गोभी और आलू ये ऑलरेडी बॉयल हो चुका है, ऑलरेडी फ्राई हो चुका है, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो सूखा रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे और थोड़ा मिक्स कर देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा सेमी ग्रेवी रखेंगे, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी हम क्या करेंगे ना, एक मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में हम इसे पकाएंगे और जो मसाला है एकदम अच्छा से मिक्स हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम डाल देते हैं किचन किंग मसाला एक छोटे चम्मच और ये गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। ये डालने के बाद हम इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा जो ये आलू गोभी मसाला है एकदम रेडी हो चुका है। बस हमें सिर्फ मसाला को अच्छा से इसमें मिक्स कर देना है। और अभी इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए फाइनली हमारा ये टेस्टी आलू गोभी मसाला रेसिपी बनकर रेडी है। आप इसे रोटी चावल और चपाती नान के साथ खा सकते हैं, और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप इसे सब्जी को लेके जा सकते हैं। इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, कम से कम एक दिन तो आप बाहर इसे रह सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मेरे को बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।